तो चलिए कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं संजू कुमार और आप देख रहे हैं टेक वाटी संजू। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लगभग 1 वीक के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक्शन कैमरा के मदद से और उसको वेब कैमरा एज एन वेब कैमरा यूज़ करेंगे, मतलब जो एक्शन कैमरा है उसको वेब कैमरा के तौर पर हम लोग यूज़ करेंगे, कंप्यूटर में इसे कनेक्ट करेंगे। तो किस तरह से होता है सारा एक एक स्टेप बाई स्टेप मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो एक्शन कैमरा जो है अपना यूज़ के हिसाब से भी आप खरीद सकते हैं, 4K सपोर्टेबल से लेकर के आपका सारे तरह के मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको वाईफाई चाहिए, विदाउट वाईफाई चाहिए। बहुत सारे फीचर्स के साथ आते हैं, किसी में मोशन डिटेक्शन होता है, किसी में स्टेबलाइजेशन भी रहता है, ठीक है। तो अंडर वाटर हालांकि आप केस खरीदने से वो आपका एक्शन कैमरा के साथ ही आता है, तो केस के साथ अगर आता है तो ये अंडर वाटर भी शूट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा खास बात है और इसके अंदर पानी भी नहीं जाता। तो ये कवर, इसके अंदर हमारा कैमरा जो है चला जाता है। तो ये कवर बड़ा इसमें दिखता है, हालांकि कैमरा जो है एक्शन कैमरा काफ़ी छोटा है, SD रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये MP4 में रिकॉर्ड नहीं होता। ये ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो कैमरा है ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी, मैं अभी वीडियो करके आपका क्वालिटी इसमें दिखाऊँगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है, तो आप ये देख सकते हैं। तो आप जब भी एक्शन कैमरा परचेज करो उसके फंक्शंस देख लो कि उसमें क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं। तो मैं बता दूं कि इसमें फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि मैंने इसे 999 में परचेज किया था। और आप अगर वेब कैमरा कंप्यूटर के लिए ख़रीदना चाहते हो तो आपका वो 2 से 2500 लग जाएंगे। तो ये काफ़ी चीप है एज एन वेब कैमरा, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ये आपका चार्ज के तौर पर भी चलेगा, तो काफ़ी सारा फ़ायदा है इसको लेने से। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट करने से पहले बता दूं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 2 पोर्ट है, ठीक है। इसमें एक मेमोरी कार्ड के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है एक चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। यहीं से USB केबल आपका लगेगा। तो ये जो लगेगा ये लगेगा इस पर, और ये जो लगेगा ये हमारे कंप्यूटर में लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्शन कैमरा के सेटिंग्स पे जाना है। वहाँ पे सेटअप के सेटिंग में हमें मिलेगा एक PC कैम, ठीक है। तो ये PC कैम जो है मोड ऑन कर देना है, तो आप जैसे कंप्यूटर पे कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप USB केबल लगाओगे आपका कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर से, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो है क्या करना है ना, कंप्यूटर को ऑन कर लेना है। तो आपके पास जो भी एप्लीकेशन हो उसे अपने कंप्यूटर में ऑन कर लें। तो मेरे पास VLC मीडिया प्लेयर है, मैंने मीडिया VLC मीडिया प्लेयर को ऑन करने के बाद मीडिया में जाने के बाद यहाँ डायरेक्ट शो, तो यहाँ पे डायरेक्ट शो है, तो मुझे मॉनिटर में डायरेक्ट शो कराना है, तो क्लिक कर ले, सिलेक्ट कर ले। और सेकेंड में अपना डिवाइस को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। डिफ़ॉल्ट है तो मेरा टीका डिवाइस है, ये सिलेक्ट कर ले। प्ले बटन को ऑन करते ही आपका वीडियो जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइव चल रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और हमारा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं YouTube पे वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों कुछ देखते रहें, कुछ सीखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।